आहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा का विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस को प्रदेश का युवराज मिल गया है। प्रदेश का युवराज इसलिए बोलेंगे क्योंकि लगभग जब चुनाव के बाद अजय कुमार लल्लू, जो कि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनके इस्तीफे के बाद लगातार ये जगह खाली चल रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस का जो व्यवस्था है वो संगठन विहीन हो चुकी है क्योंकि अब लोग हैं नहीं और कौन संगठन को चलाएगा। हालांकि कांग्रेस के लोग लगातार बोलते नजर आ रहे थे कि व्यवस्था हो रही है और बेहतर यहाँ पर विकल्प खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ से एक अलग नीति अपनाई गई, जैसे कि अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी में भी अपनाई गई है कि अलग अलग प्रांत का अध्यक्ष बनाया गया, अलग अलग वर्ग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और शायद उसी पटकथा को देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने भी एक अलग व्यवस्था का बनाई है सामने। और व्यवस्था ये बनाई है कि बजलाल खाबरी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उनको महत्वपूर्ण पद देते हुए यहाँ पर उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, महत्वपूर्ण विषय। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके सहयोग के लिए 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी तय किए गए हैं, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, अजय राय भी हैं, बीरेन चौधरी भी हैं, बसपा से आए नकुल दुबे भी हैं, अनिल यादव भी हैं इटावा से, और योगेश दीक्षित, जो कि जाना पहचाना नाम है और खाटी कांग्रेसी माने जाते हैं। खाटी कांग्रेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि शुरू से कांग्रेस में रहे और महत्वपूर्ण पदों को इन्होंने निर्वाह किया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि इन व्यवस्थाओं के बीच किस तरह से अब आने वाले जो समय है वो रणनीति बनाई जाएगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो नकुल दुबे का हम नाम ले रहे हैं, बसपा से आए हैं, अभी जून में उनका आना हुआ है, इसके पहले जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हालांकि वो विधानसभा चुनाव से पहले आ गए थे और लगातार सक्रिय यहाँ पर रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और जिम्मेदारी निभाई है। पर यहाँ पर कांग्रेस ने एक अलग पत्रकार पर चलते हुए जिस तरह से ये स्पष्ट किया है कि आने वाला 24 का चुनाव और निकाय चुनाव में हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो भी प्रांतीय अध्यक्ष अगर अच्छा काम करता नजर आएगा, अच्छा प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से उसको हम आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, ये भी कहा गया है। तो बेहतर काम करना है और बेहतर काम के साथ अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छी रणनीति आप बनाएंगे और रणनीति से परिणाम बेहतर आएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जिम्मेदारी बदलेंगी और हो सकता है कि पद भी बड़ा मिले। कुछ बयान सुनते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिम्मेदारी जो दी है पार्टी ने, पार्टी का ये हमेशा से रूल रहा है, पार्टी कभी जाति और धर्म की बात नहीं करती है। पार्टी जो काबिल लोग हैं, जिनको काम दे करके जिम्मेवारी को पूरा निभाने के लिए जो तत्पर रहता है, उसको दी जाती है जिम्मेवारी। आज जो जिम्मेवारी मिली है आदरणीय प्रियंका जी ने, जिस सोच के आधार पर मुझे जिम्मेवारी दी है, ये तो कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है और चलती आई है अभी तक। यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। पार्टी ने निर्णय लिया है और उस निर्णय का जो लबोलबाब है, हम लोग इस देश को दोबारा गुलाम होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। चाहे अडानी जी हो, चाहे अम्बानी जी हो, चाहे कोई भी जी हो, अगर हमारे देश को गुलामी की राह पर ले जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी सदैव से तत्पर रही है, तैयार रही है कि हम लोग देश को अंग्रेजों से भी आज़ादी लाए थे, हम देश को भाजपाइयों से भी आज़ादी लाएंगे और हम लोग पुनः कांग्रेस पार्टी को स्थापित करते हुए इस देश में एक बार पुनः अमन चैन शांति लाने का काम करें। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से यहाँ पर बजलाल खाबरी ने भी बयान दिए और नकुल दुबे, जो कि बसपा के बड़े नेता रहे हैं और बसपा छोड़कर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था जून 2022 में, और अब वो प्रांतीय अध्यक्ष बना दिए गए। हालांकि यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि नकुल दुबे अध्यक्ष बन सकते हैं, चर्चा बड़े नामों की भी थी, चर्चा यहाँ पर सुप्रिया सिनेट की भी चल रही थी और चर्चा ये भी चल रही थी कि हो सकता है अजय कुमार लल्लू को दोबारा यहाँ पर प्रभार दिया जाए। पर सारी चर्चाओं के अलग यहाँ पर कांग्रेस ने बजलाल खाबरी के साथ 6 और लोगों को यहाँ नियुक्त किया है और ये स्पष्ट किया है कि चुनाव जो है वो आने वाला हम बड़ी मजबूती के साथ रहेंगे। और सारे मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। भाजपा ग्रुप में विवेक भाई अपना पक्ष रखेंगे, तारिक खान समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और चंदेश सिंह कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आपसे मेहमान का बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा चंदेश भाई से रहेगा। चंदेश भाई, महत्वपूर्ण कदम मानेंगे क्योंकि
जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वर्ग है उसी वर्ग से जुड़े हुए नेता को आपने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या मानेंगे? मास्टर स्ट्रोक है, और मास्टर स्ट्रोक के माध्यम से निकाय चुनाव और 24 को लेकर जो रणनीति कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बनाती नजर आ रही है उस पर और एक अच्छा कदम, क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लंबे समय से अध्यक्ष को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार रखा था। जिस नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसका कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सम्मान कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जिस नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 6 प्रांतीय अध्यक्षों को भी नियुक्ति करने का कार्य किया है, दरअसल में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और कई बार होता ऐसा था कि प्रदेश अध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश को साधने में जिस तरीके से कार्य कर लेते हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती थी, उनको भी दूर करने का प्रयास किया है। नेतृत्व ने अनुभव को महत्व दिया जी। हम जातिगत समीकरण के रूप में नहीं देखेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। अच्छा। अनुभव को महत्व और हमें कि हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं जी। तो 2024 के चुनाव में जी। कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे जी। और उनके साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है जी। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी भारत के अंदर जो आज देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में, देश में महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है जी। विपक्ष की आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है जी। ऐसे में लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं लाखों कार्यकर्ता प्रतिनिधि के साथ चल रहे हैं जी। अब ये लड़ाई यही रुकने वाली नहीं है। अच्छा। ये लड़ाई एक तरफ गांधी के समर्थकों का हुजूम खड़ा है, दूसरे तरफ गोटे के समर्थकों का हुजूम खड़ा है जी। ये सत्य बनाम असत्य की लड़ाई है जी। भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, शोषित वंचित लोगों जी। ठीक है संदीप भाई, चुनावी अभियान के रूप में नहीं देखेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के। पर चंदेश भाई एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, चंदेश भाई मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। आप कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर दीक्षित जी को भी जगह दी गई है, यहाँ पर नकुल दुबे को भी जगह दी गई है, और यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था यही बताती है ना कि यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी जगह दी गई है, तो ये व्यवस्था ये बताती है कि हाँ पूरी तरह से जातिगत समीकरण को देखते हुए यहाँ पर एक मैं पद दिए गए हैं। मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पहले से ही थे जी, जी। उनको क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है जी। नकुल दुबे साहब पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। अच्छा। और लोगों के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। बुंदेलखंड कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। अच्छा। और खावरी साहब बुंदेलखंड से आते हैं जी। तो बुंदेलखंड में कांग्रेस अपनी पुरानी पहचान को फिर से प्राप्त कर सके। अच्छा। इसके लिए वहाँ खावरी साहब को भी महत्व दिया गया है। एक और बड़ी बात ये है। अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी दलित और शोषित की बात तो आपका क्या है, लेकिन उनके लिए कार्य नहीं करती। चंदे भाई आपका कहना है यहाँ पर चुनाव को देखते हुए अनुसूचित जाति को, पहली बात समझिए बात को, पहली बार उत्तर प्रदेश में एक अनुसूचित जाति को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी समाज के दबे कुचले और निचले वर्ग के बारे के लोगों को भी नेतृत्व के ऊपर रखने का। तो ये तो मास्टर स्ट्रोक तो है ना। केंद्र में भी हमने कभी जगजीवन राम को अध्यक्ष बनाया था, आज फिर हम देखिए कांग्रेस पार्टी केंद्र के में चुनाव कराने जा रही है प्रेसिडेंट की। ये संदेश तो दे ही रहे ना, परिवारवाद को ठीक है संदेश भाई, पर यहाँ संदेश तो दे ही रहे ना कि हम अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को लेके आए आगे बढ़ा रहे हैं, तो संदेश तो कहीं ना कहीं दे रहे हैं ना। इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। अच्छा। भारतीय समाज में अब तो प्रवक्ता भाषण बताएंगे को समान रूप से नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए, इस बात का मैं पक्ष रख रहा हूँ। चल ठीक है। आखिर अनुसूचित वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप परिवारवाद का लगाती थी, गांधी परिवार से किसी ने पर्चा नहीं भरा। अच्छा। और हम सीधे डेलीगेट के माध्यम से चुनाव कराने जा रहे हैं। अच्छा। भाजपा के लोग बताए कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे भी या नहीं कराएंगे। चलो ठीक है, पूछ लेता हूँ। ठीक है, चुनाव उनका ठीक है, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, समय का या मनोनीत ही होगा। चल पूछ लेता हूँ विवेक भाई। चंदेश भाई कह रहे हैं कि भाई कोई जातिगत या समीकरण नहीं बैठाया गया है, क्योंकि बुंदेलखंड में
कांग्रेस की पुरानी जो जमीन रही है उसको बेहतर करने के लिए, और 6 अध्यक्ष और बनाए गए हैं इसलिए कि अब कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी रणनीति उतर आई है। कोई जाति का समीकरण नहीं, केवल वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये भी कहा है कि कांग्रेस में अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हो रहा है उसमें भी कोई परिवारवाद का अब व्यवस्था नहीं रह गई है, वहाँ पर भी निष्पक्ष न्याय के माध्यम से चुनाव कराने वाले हैं। भाई क्या कहना है आपका भाई? गौरव जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा जी कि कांग्रेस एक जमाने में दलितों की, मुसलमानों की और ब्राह्मणों की राजनीति करती थी जी, और जिस उधार के चिराग से दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं जी, बिजलाल खाबरी साहब का पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ ही अच्छा बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने में बीता है। अच्छा, आपको याद होगा जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप जी, बड़ा लंबा आपका पत्रकारिता का जीवन है जी, जिस समय बहुजन समाज पार्टी जमीन पे उठ रही थी जी, उस समय उत्तर प्रदेश सहित भारत में सर्वजना शासन कांग्रेस का ही था जी, काशीराम जी जिस तरह से एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे जी, तो आंदोलन तत्कालीन व्यवस्था में जो लोग थे कांग्रेस उन्हीं के विरुद्ध था जी। और मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि जो काशीराम जी के साथ रहा हो जी, उनके समय में जो आंदोलन में रहा हो, वो अपने ही आंदोलन जिसके खिलाफ उसने खड़ा किया वो आज उसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है जी। ये जो गंगा उल्टी बहाने का कार्य कांग्रेस ने किया है, इसके परिणाम भी इनको आगे मिल जाएंगे जी। और रही बात जो ये जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाने का इन्होंने कार्य किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने नकल की है। अच्छा, इस तरह से हमारे यहाँ संगठन क्षेत्रों में विभक्त है जी, और हमारे यहाँ प्रांतीय अध्यक्षों की नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए, तो संगठन की मजबूती की दृष्टि से इनका एक अच्छा कदम है, इनको उसका लाभ मिलेगा जी, इससे संगठन की थोड़ा जमीन पे पकड़ अच्छी होती। पर ये कह रहे जातीय समीकरण नहीं बनाया इन्होंने, ये कह रहे हैं केवल केवल राजनीति चुनाव कह रहे हैं जी, लेकिन कांग्रेस अभी अपने उस अतीत से कभी बाहर नहीं निकल पाती। अच्छा, जब ये मुस्लिमों की, दलितों की और ब्राह्मणों की रहनुमाई का वादा करते, तलाक करते, किसी के लिए कुछ नहीं थे। अच्छा, ये कारला के इनसे मुस्लिम भी निकल गए, दलित भी निकल गए, ब्राह्मण भी निकल गए। अच्छा, कोई इनके पास रहा नहीं। अच्छा, लेकिन ये करते तो उसी की वादे की बात है जी। अब रही बात जो इन्होंने अभी एक विषय उठाया, राष्ट्रीय ध्वज वाला, राष्ट्रीय ध्वज वाला, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इन्होंने बात की जी, तो मैं उस पर बता दूं कि पहले इनके यहाँ अशोक गहलोत जी का नाम चला जी, अशोक गहलोत जी का जो राजस्थान का इंसिडेंस रहा, उसके बाद उनका नाम बैठ करके वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई जी, खड़गे साहब को जी। अभी लाख कहें कि साहब खड़गे साहब हमारे उम्मीदवार नहीं है, गांधी परिवार के उम्मीदवार नहीं है जी, लेकिन जिस तरह से खड़गे साहब को पर्यवेक्षक बना के भेजा गया और फिर उधर से लौटते हुए उनको अध्यक्ष पद का न्योता दे दिया गया जी, और जिस तरह से उनके समर्थन में दिग्विजय सिंह आदि लोगों ने अपने पर्चे नहीं भरे जी, उससे साफ जाहिर होता है कि गांधी परिवार का इशारा किसकी तरफ है। अच्छा, और रही बात जिस आयु वर्ग में खड़गे साहब का व्यक्तिगत सब लोग सम्मान करते हैं जी, बुजुर्ग नेता है उनके, ना तो राजनीतिक जीवन पे हम कोई उंगली उठा रहे हैं, ना कोई वरिष्ठता पे हमारा प्रश्न है जी, लेकिन विषय यह है कि 80 साल से ऊपर का व्यक्ति क्या आज की हमारी युवा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इनकी पार्टी को खड़ा करने में सक्षम हो पाएगा? अच्छा, इसका मूल्यांकन आप लोग बेहतर कर सकते हैं हमसे। वही बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में इन्होंने पूछा है, हमारे यहाँ जब 51% प्रदेश इकाइयों की चुनाव संपन्न हो जाते हैं जी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है जी। हमारे यहाँ 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सर पे है जी, और कोई भी राजनीतिक दल के लिए इस चुनाव त्योहार की तरह होते हैं जी। हम इस समय अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल करके या पूरे नए संगठन खड़ा करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसके तहत हुआ है जी, ठीक है। और जो आज हमसे पूछ रहे हैं, जरा बताएं कि 24 साल से सोनिया गांधी जी क्यों कांग्रेस पे काबिज है जी, राहुल गांधी और गांधी परिवार से इतर कहीं कांग्रेस झांकना क्यों नहीं पसंद करती जी, और जो खड़गे साहब अध्यक्ष बनेंगे क्या ये बिना गांधी परिवार कमांडिंग पावर किसके पास में रहेगी, कमांडिंग पावर स्थिति में होंगे क्या जी, ठीक है।
ठीक है, तमाम चीजें हैं। जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ। ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं जी, कांग्रेस को रिमोट से चलाने का गांधी परिवार का शौक बहुत पुराना है। अच्छा, जब उन्होंने देश रिमोट से चलाया तो कांग्रेस का अध्यक्ष तो रिमोट से चलेगा चलेगा, ये तो अंडरस्टूड। चलिए ठीक है, जवाब लेता हूँ अभी। इस पे कोई चर्चा करना भी बेवकूफी है। ठीक है, ठीक है। तारिक भाई, भाई कांग्रेस को नए युवराज मिल गए हैं, मिल गए हैं, 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी मिले हैं, भाई रणनीति बना के फील्ड में आ गई है बिल्कुल। भाई आपने भी अधिवेशन किया हो, आपने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है, तो अब यानी सक्रियता बढ़ गई है, रणनीति की तैयारी चल रही है, क्या मानते हैं कहाँ तक चुनौती होने वाली है कांग्रेस के लिए? भाई आप भी विपक्ष में हो और कांग्रेस भी विपक्ष में है, तो साथ साथ चलेंगे, क्योंकि साथ साथ तो परिणाम अच्छे आए नहीं थे, कैसे चलेंगे भाई? देखिए गौरव भाई, अपने संगठन को बढ़ाने का या एक्सपैंड करने का तरीका अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रहा है। अच्छा अच्छा, कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी, अच्छा। तो उनके पास उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे आपको पता होगा बीएसपी कोऑर्डिनेटर्स बनाती है जी। फिर उन मंडल कोऑर्डिनेटर को वो सेक्टर कोऑर्डिनेटर कहने लगे, उसको सेक्टर कहने लगे, मंडल को सेक्टर कहने लगे जी। और मंडल को मंडल से और बड़ा कर दिया, मतलब डेढ़ मंडल को कहा 2 मंडल को कि अब ये एक सेक्टर है जी। तो उसको प्रदेश बड़ा है जी, उसको अलग अलग पार्टियों का अलग अलग तरीका है बांटने का, उस पर प्रश्न उठाने का। जैसे बीजेपी अपने प्रांतीय अध्यक्ष और पता नहीं क्या क्या बनाती है, वो उनका अपना मसला है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी का भी अपना तरीका है संगठन करने का, लेकिन वो ऊपर नीचे मिलाकर नहीं, पर्याप्त नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी के पास एक बहुत बड़ी लाइन है। अच्छा अच्छा, दिक्कत क्या हो जाती दिखती नहीं है पर। कि कुछ लोग, कुछ बड़ी पार्टियां नहीं दिखती, क्यों नहीं, अभी सड़क पे थी, दिखते तो भाई यही लोग हैं सिर्फ, लेकिन देखना किसको चाहते हैं ये भी मसला है। अच्छा, जो कैमरे हैं मीडिया के वो किसको देखना, हम तो देखते हैं भाई, देखते हैं पैनल मार्च कहां से देखता। तारिक भाई, भाई आपको नहीं कह रहा जी, देखिए आपने एक टिप्पणी की जी और मैंने भी एक आम टिप्पणी की, उसको आप अपने ऊपर ना ली। नहीं बिल्कुल, हम तो मीडिया तो मीडिया है भाई जी, तो मैंने अपने ऊपर नहीं लिया कि मैं नहीं लिखता हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ कि देखने के ऊपर है कि आप देखना क्या चाहते हैं। देखिए सभी पार्टियों को अपना अपना अधिकार है, लेकिन लेकिन कुछ राजनीतिक दल है यहाँ पर जो सत्ता में है, वो चाहते हैं कि पार्टियों को खत्म किया जाए, उनको धरातल से उनको तोड़ा जाए, उनमें विभाजन किया जाए, उनके नेताओं को डराया जाए, अपने जो एजेंसियां हैं उससे। गौरव भाई देखिए, डरने की बात नहीं, डरेगा कौन जी? लोकतांत्रिक देश में डर की जगह ही नहीं होनी चाहिए। कानून है, संविधान है जी, इतना बढ़िया हमारे पास संविधान है, अगर उसका पालन करेंगे तो डरने की क्या जरूरत जी? बिल्कुल, लेकिन लेकिन मुझे राहुल गांधी डर के मारे मुझे चौक पे भागने बैठ गए थे, सुनने को बोल रहे हैं जब जब भी कोई, हाँ तो बैठे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरीके का एक्सपेंशन हो तो उसमें हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया भाई? अब बीजेपी एक्सपेंड करे? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, किसी को अरे मैं तो इतना पूछ रहा हूँ तारिक भाई, ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं भाई, बहुत समय बाद यहाँ पर कार्ड खेला गया है भाई, हम तो दलित कार्ड ही बोलेंगे, अब भले ही कांग्रेस वाले चंदेश भाई कुछ भी बोलते रहे भाई, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था होती चुनाव रणनीति है। मैं आपको पार्टी से ऊपर उठ के बताता हूँ, एक जर्नलिस्ट वाली बात बताता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ नहीं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर थोड़ा बता दीजिए, बता दीजिए, हमें थोड़ा सुन ले, समाजवादी का स्टेटमेंट ना लीजिएगा जी। करो भाई देखिए, ये जो अध्यक्ष अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इससे बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रभाव पड़ता। एक पार्टी की छवि जो शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से आगे बढ़ता है, जिस तरीके से स्टेटमेंट देता है, जिस तरीके से अपना कार्य योजना बनाता है, क्योंकि आज ये डिजिटल युग है। अच्छा, आपकी हर एक्टिविटी पे बीजेपी कांग्रेस समाजवादी बसपा तो घर बैठती है जी। इन पार्टियों की हर गतिविधि, जैसे वो चल रहा है यात्रा चल रही है राहुल जी की, पहली नजर है मोदी साहब क्या कर रहे हैं, जनता की पहली नजर है। ये शीर्ष नेतृत्व, आप बात समझिए, ये मुद्दे और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे और आज की डेट में कुछ धार्मिक मुद्दे, अब समाजवादी स्टेटमेंट मत लीजिएगा। अच्छा, इन्हीं सब चीजों को जनता ध्यान में लेकर और अपना वोटिंग का पैटर्न तैयार करना 6 महीने पहले शुरू कर देते। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप प्रांतीय अध्यक्ष बना दीजिए, या हम बना दें या बीजेपी बना दें, कोई बहुत बड़ा जो एक, क्योंकि भाई ये राष्ट्रीय चुनाव, हमें तो स्टेट ही में लड़ना है,
इन लोगों को पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान में लड़ना है। तो एक जो छवि ऊपर से बनकर आती है, एक जो ब्रॉड आप समझ रहे प्रोस्पेक्टिव तैयार होता है, बड़ा नैरेटिव तैयार होता है राष्ट्रीय चुनाव के आम चुनाव के लिए, वो एक अहम बात होती है इन चुनाव में। बाकी आप जैसे इधर वेस्टर्न यूपी का बना दिया तो वेस्टर्न यूपी पूरा जीत लेंगे क्या? एक ये धारणा मुझे अब ये धारणा बड़ा हम युग बड़ा आगे आ गए, बाइक चल रहा है। अच्छा, जैसे जिला अध्यक्ष क्या हुआ, बीजेपी सोचे या समाजवादी सोचे या कांग्रेस सोचे कि यहाँ यहाँ पंडित बना दें, यहाँ ठाकुर बना दें, ये बहुत बड़ा इसका प्रभाव मैंने देखा है। अच्छा, मैंने देखा है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, उदाहरण देता हूँ मैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष समाज पॉइंट में पॉइंट समाज में है एक गर्व, वो बस खत्म कर रहा हूँ, मारवाड़ी समाज बहराइच में पॉइंट पॉइंट में है जी, मतलब 0.5 होगा। बीजेपी कई सालों से टेकरीवाल साहब को जिला अध्यक्ष बनाए, क्या मतलब है? काम भी करते हैं जी, काम भी करते हैं। तो अब कहाँ रह गया जी, पंडित बाहुल क्षेत्र है हमारा। अच्छा, और बना रखा है, अब बदला भी नहीं जा रहा है, काम हो रहा है बदला भी नहीं जा रहा है। तो ये चीजें अब गौरवभा इससे बढ़ रही है आगे। अच्छा, राज्य और सिर्फ एक ही जगह नहीं है। अच्छा, संगठन में सब जगह हो रहा है। आप अच्छा ठीक है कि उससे उसका ध्यान रखा जाता है। लास्ट पॉइंट, 5 सेकंड लूंगा, जल्दी बोले, उसका पार्टियां अभी भी ध्यान रख रही हैं। अच्छा, सब हैं उसी में शामिल, हम भी हैं, ये भी हैं, कांग्रेस भाई भी हैं। अच्छा, लेकिन जनता नजरिया बदल रही है। आप कह रहे हैं कि यानी जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश खत्म हो गई है? नहीं नहीं, खत्म कहां हो जाएगी गौरव भाई, जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हम आप यहां बैठ नहीं पाएंगे। अच्छा, खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, मैं निर्णय जो जनता वोट देती है उसका निर्णय सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो बदल रहा है। ठीक है, ठीक है। चंदेश भाई, दिव्य भाई की आपने बातें सुनी तमाम, उन्होंने कहा कि केवल कंट्रोलिंग अलग है, केवल नाम है कि खड़गे बनेंगे और यहाँ पर भी व्यवस्था वैसी है और पूरा मास्टर स्ट्रोक है चुनाव को देखते हुए। क्या बोलते भाई चंदेश भाई? आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही इतने डरे हुए हैं। अच्छा, थोड़ा इनकी आवाज तेज कराइए, मेरे को आ नहीं रही है। बोल रहे डर गए आप लोग, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। ये अब बीजेपी वाले इनसे क्यों डरेंगे? 12 राज्यों में 36 विधायक इनके हैं, डर के तो राहुल गांधी भागे थे यहाँ से। इन्होंने आरोप लगाया, केरल का रास्ता लिया था राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से। आप बताइए, भारत के 1,35,00,000 लोगों के बीच क्या अल्पसंख्यक और समाज के दबे कुचले लोगों के हक की आवाज उठाना और राजनीति में उनको सरोपरि रखना कहीं से कोई गलत है क्या? बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश है। अल्पसंख्यक की बात नहीं होनी चाहिए, अनुसूचित जाति की बात नहीं होनी चाहिए, जनजाति की बात नहीं होनी चाहिए, पिछड़े की बात नहीं होनी चाहिए। आवाज तेज कराई जाए, भाई को आवाज नहीं आ रही है। मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को प्राप्त करने के लिए देश के और प्रदेश के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष का नियुक्ति करने का कार्य किया है। यदि उसमें सपा के लोग और भाजपा के लोगों को जातिवाद और राजनीति दिखती है तो ये देखते रहे। अच्छा, और यदि राजनीति जिसको दिख रही है, मैं उस पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा नहीं है, अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं है, अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है? इन मोर्चों का उद्देश्य तो यही है ना कि ये उस समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी ने मुख्य धारा में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जी, तो भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी को तकलीफ। पर ये तो बोल रहा राहुल गांधी भाग गए जी, राजनीति है जी। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, बेबे भाई बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी 3,700 किलोमीटर की यात्रा निकाली जी, आज 20 दिन से ऊपर हो गए, राहुल गांधी जी प्रतिदिन 20 किलोमीटर चल रहे हैं। इनकी आवाज ठीक है चंदे भाई की, आवाज बेबे भाई को नहीं जा रही है। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। अच्छा, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही जी, और ये यात्रा कहीं रुकेगी नहीं जी, चाहे इनके लिए जो बड़े कांग्रेस पार्टी अहिंसात्मक तरीके से इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अच्छा, और कितनी आश्चर्य की बात है कि आज 20 दिन से ऊपर हो नहीं हुआ जी, और जहां भी जा रहे हैं राहुल गांधी, बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर नौजवानों से लेकर कामगार से लेकर हर व्यक्ति और वर्ग का राहुल गांधी जी को समर्थन और प्यार मिल रहा है। ये भारत को जोड़ने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में
राजनीति ने देश के अंदर नफरत और जहर खोलने का काम किया है। पर चंदे भाई, और एकता को तोड़ने का काम किया चंदे भाई, आज राहुल गांधी जी उसको जोड़ने जा रहे हैं। चंदे भाई, विवेक भाई कह रहे हैं प्रदेश छोड़कर केरल भाग गए थे। विवेक भाई बोल रहे थे प्रदेश छोड़कर केरल भाग गए थे राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए। उनको उनको बोलने दीजिए, राहुल गांधी जी ने उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ा और दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़ा। ये अपने आप में ये मैसेज देता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का ये एक बड़ा अभियान था। अच्छा, हम कहीं चुनाव हारे कहीं जीते जी, ये जनता का प्यार है। जनता एक ही जगह क्यों वोट दे, ये जनता का निर्णय है। जनता का निर्णय सरमाथिस पर है। हम फिर चुनाव लड़ेंगे, जनता के मैदान में जाएंगे। हमें जनता से कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की भ्रमित नीति और विचारधारा का परिणाम। बड़ा डर क्यों गए बोल रहे आप, डर गए विजय भाई? उनको उनको कहने डरे तो ये है ना। अच्छा, चुनाव हुए नहीं, ये पहले ही सोच लिए कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, डरे ये है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से डर रही है, डर गई है। हमारे 6 प्रांतीय अध्यक्षों और 1 अध्यक्ष से भाजपा डर रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी अच्छा। से जो देश में बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कम करने के जवाब लेना। विवेक भाई का चर्चा खत्म करता हूं। भाजपा की उत्पत्ति ही भय से हुई है। अच्छा, भाजपा की उत्पत्ति ही भय से हुई है। अच्छा, इसलिए भाजपा के लोग हमेशा विवेक भाई जी आप डर गए भाई, आप लोग जी विवेक भाई बोलिए भाई, किस बात से डर गए? वो रहे भारत जोड़ो यात्रा डर गए। भारत जोड़ो यात्रा को कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। गौरव जी, गौरव जी जी, भारत जोड़ो यात्रा को नाम गंभीरता से ले रहे हैं ना लोग ले रहे हैं जी। वो तो 80 कंटेनर में जो ये बारात लेके गए हैं जी, लोग वो बैंड बाजा बारात देखने के लिए तमाशा लगा ले रहे हैं। अच्छा, उसको कांग्रेस ये समझती कि साहब हमारी ये भीड़ है, समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं है, वो अच्छा। तमाशा देखने लोग आते हैं, बैंड बाजा बारात देखने आते हैं। रही बात डरने की, तो कौन डर के केरल भागा ये तो सबको मालूम है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ, अगर राहुल जी को ज्यादा आत्मविश्वास आ गया तो दोबारा अमेठी चुनाव लड़के देख ले जी। और एक चुनौती स्वीकार कर लेकर दीजिए कि अब की जो 1 सीट लोकसभा की बची हुई है वो भी कांग्रेस ने हार करके 0 पे आउट होने जा रही है। अच्छा, संदेश भाई जी, संदेश भाई कह रहे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने एक बार और बोल रहे हैं 1 सीट और बचा लीजिए। चुनाव लड़ेंगे ये क्यों क्यों इतना डरे हुए हैं जी? ये कैसे सोच रहे कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे? अच्छा, ये कैसे सोच लिए? ये यही भारतीय जनता पार्टी का भय है जी। इसी को हम भय कह रहे हैं, इसी को डर कह रहे हैं। ये अपने आप मान लिए कि खड़गे साहब ये होंगे वो होंगे, ये अपने आप मान लिए कि राहुल गांधी जी चुनाव उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ेंगे, सब कुछ अपने आप ये मानते हुए चल रहे हैं। इनको मानने दीजिए, इन्हें तो ये भी लग रहा था। दर्शक मैंने क्या कहा जी? कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग आ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि बैंड बाजा बारात जा रही है 80 कंटेनर में। इसका मतलब कि ये जनमत का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के प्यार का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तो यही सोच है ना। अच्छा, मैंने पहले ही कहा। अच्छा, ये भ्रमित है, ये भ्रमित है। अच्छा, और ये डरे हुए हैं। चलो ठीक है, बेबे भाई जवाब दीजिए। और 2024 में उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खास रणनीति बनाई है जी। अपने क्षेत्र योद्धाओं के साथ जवाब दे दूंगा योद्धा को मैदान में उतार दी है। इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। संदेश भाई, उसके विचारधारा को नेस्तनाबूत करने के लिए पर्याप्त है। और सुनिए, 2024 में भाजपा और आरएसएस के विचारा को नेस्तनाबूत करते हुए आप राहुल गांधी चिंता मत करें, वो जहां से लड़ना चाहेंगे वहां से लड़ेंगे। और ये भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से आप भ्रमित हो गए हैं, आप डर गए हो। इनका कहना ये भी है कि जो बैंड बाजा बारात वाला आपने स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, उनका कहना ये भी है कि आप जनता के समर्थन का अपमान कर रहे हैं। नहीं, जनता का समर्थन तो अमेठी में उनको मिलता। अच्छा, अगर वो काम करते जी, वहां तो मिला नहीं। अच्छा, जनता के समर्थन का तो अपमान उन्होंने केरल में जाकर के जो वक्तव्य दिया जी अमेठी की जनता के बारे में, वो अपमानजनक था जी। रही, और उसकी आप चाहे तो स्लाइड भी इनको निकाल करके दिखा सकते हैं, उन्होंने अमेठी की जनता के बारे में केरल में क्या बयान दिया। विषय ये है कि जो मैंने कहा कि 80 जो एसी कंटेनरों में जो ये बारात जा रही है, लोग उसको देखने आ रहे हैं जी।
अब ये इनको लगता है कि साहब ये लोग कांग्रेस को देखने आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता को देखने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। वो कहीं भी राहुल गांधी में इतनी क्षमता ही नहीं है कि कहीं भी वो भीड़ को वोट में तब्दील कर सके। अच्छा। ऐसे बहुत सारे अनुभव है, आप मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, आपने देखा होगा कि कितनी सभाएं राहुल गांधी ने की, लेकिन उन्हीं उन्हीं सीटों पर कांग्रेस का खाता नहीं जी, तो भीड़ को वोट में तब्दील करने की क्षमता राहुल जी की शून्य है जी। और जिस तरह से अमेठी से भाग करके वो गए हैं केरल, सबको मालूम है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, अमेठी छोड़ करके केरल भागे, एक सीट इनकी जो बची हुई रायबरेली, भारतीय जनता पार्टी का होमवर्क उस पर शुरू हो चुका है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री भारत सरकार के, उनको भारत सरकार की तरफ से लगाया गया है पार्टी की तरफ से, वो वहां का दौरा कर रहे हैं। हमारे आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश संगठन से लगाए गए हैं, हमारा 6 महीने पहले से रायबरेली पे बूथ वाइज काम शुरू है। ठीक है, ठीक है, हम इनकी तरह आज अध्यक्ष नहीं ढूंढते फिर रहे हैं। अच्छा। हम अपने उस होमवर्क के बदौलत कह रहे हैं कि एक सीट तो इनकी रायबरेली बची हुई है, अब की हम वो भी लेकर के कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से शून्य देके भेजने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राण पड़ोसी इस लक्ष्य की ओर लगा हुआ है। ठीक है, हम अपने होमवर्क पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौन डरा है कौन नहीं डरा, ठीक है, हम तो चुनौती दे रहे हैं जी। राहुल जी से कह दीजिए कमेटी लड़के दिखा दे। ठीक है, ठीक है, और सोनिया गांधी के अगर अपनी सीट बचा ले तो बता दे। ठीक है, ठीक है भाई, आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने चर्चा की कि कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिलाल खाबरी और 6 प्रांतीय अध्यक्षों को, कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर कोई जातिगत राजनीति नहीं है, यहाँ पर हम समाज के हर तबके को यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनको प्रतिनिधि बनने का मौका देते हैं, जिससे कि आने वाले समय में सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में आने को मौका मिल सके। पर वहीं बीजेपी कहना है कि केवल ये स्टोक केवल चुनाव को देखते हुए लगाया गया है, और आने वाले चुनाव में बीजेपी प्रवक्ता कहना है कि इस बार शून्य देके भेजेंगे, यानी जो रायबरेली सीट है वो इस बार उनके हाथ से जाने वाली है। फिलहाल परिणाम क्या होगा वो पक्ष बताएगा, पर एक बात तो साफ है कि अब जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, चुनावी रणनीति में पूरी तरह से आ चुकी हैं, और आने वाला समय बहुत बड़ी चुनावी जो मुकाबला होगा वो ये स्पष्ट करेगा कि आने वाले समय में कौन केंद्र की कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि परिणाम तय है पर जब केवल संघर्ष होगा, अगर संघर्ष होगा तो निश्चित रूप से परिणाम भी बदलेगा, और अगर संघर्ष नहीं होगा तो वही धारा बहती रहेगी जो अब तक बहती आई है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।